हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कॉन्फिडेंट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टोमेटो फेशियल के बारे में, जिसे हम लोग टमाटर हिंदी में बोलते हैं बेसिकली। तो आज के इस वीडियो में मैं फेशियल का टॉपिक कवर करने वाली हूँ, और मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर इस तरीके से अगर फेशियल कर लेते हो टोमेटो से, आपको यहाँ जूस यूज़ नहीं करनी है, आपको यहाँ टोमेटो का प्यूरी यूज़ करनी है। इस तरीके से अगर यूज़ करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट हो जाती है। आपकी स्किन महंगी जो फेशियल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इससे ये टक्कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे लगाना है। और मैं जो भी चीज़ें यहाँ यूज़ कर रही हूँ, सब आपके किचन में मिल जाएंगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके पैसे बचाने की। जितनी हो सके मैं उतनी कटौती करूँगी, और थोड़ा बहुत तो पैसे थोड़ा सा खर्च करने होंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी से, ठीक है। तो और हाँ, मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसे उस पर भी शेयर कर सकती हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स गो स्टार्टेड। आपको चाहिए होगा एक टमाटर जो रेड कलर का होना चाहिए, और इसकी आपको स्लाइसेस कट कर लेनी है। आपको यहाँ ग्रीन वाला टमाटर नहीं यूज़ करना है, वनली रेड कलर का, ठीक है। और इसका स्लाइसेस कट कर लेंगे, जो आधा भाग है उसका राउंड सर्कल में स्लाइसेस कट करके इसका कुछ काम है, मैं आगे इसको बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। तो इसका आपको प्यूरी बना लेना है। मैं यहाँ मिक्सी ग्राइंडर में प्यूरी बनाई हूँ, और आप चाहो तो जैसे भी आपके पास जो भी सामान हो ग्राइंडर का, तो आप उससे बना सकते हो, ठीक है। और फेशियल का पहला स्टेप होता है क्लींजर, तो मैं वहाँ 1 टीस्पून टमाटर का प्यूरी ली, और 1 टीस्पून आपको यहाँ कच्चा मिल्क लेना है। बट मेरे पास अभी कच्चा मिल्क नहीं था, तो मैं यहाँ उबला हुआ मिल्क यूज़ की हूँ। और फेशियल करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर ले अच्छे तरीके से, फेस वॉश, ठीक है। मैं यहाँ 1 ले लिपस्टिक लगाई हूँ, बस हो गया। पहला स्टेप मैं क्लीजिंग कर रही हूँ। क्लीजिंग आपको, आप चाहो तो एक रुई डिप करके आप अपने फेस को क्लीन अप कर सकती हो, बट मैं यहाँ डायरेक्टली अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन अप के लिए आपको मिनिमम 5 मिनट्स तक आपको मसाज देनी है अपनी फेस को। ते हैं सेकेंड स्टेप के लिए। सेकेंड स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा 2 बड़ी चम्मच आपको चीनी चाहिए होगा, और चीनी को आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेनी है। एकदम बारीक होनी चाहिए पाउडर, आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ताकि नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ये हार्स हो सकती है। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर को, जो स्लाइसेस मैंने रखी थी उसे आपको इसमें डिप करके और डायरेक्टली अपने फेस की सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देनी है। हर एक एरिया को, आपको पार्ट को ध्यान रखना है, चिन को, गाल को और फॉरहेड को, हर एक एरिया को, ठीक है। और मैं यहाँ पे बाद में अपने फिंगर टिप से भी मैं मसाज दूँगी, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारी स्किन अच्छे तरीके से स्क्रबिंग हो जाए। स्क्रबिंग आपको मिनिमम वही 5 मिनट्स तक करनी है, और हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे तो आपकी स्किन को चोट पहुंच सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा कच्चा मिल्क, और बट मैं यहाँ बॉयल यूज़ कर रही हूँ मिल्क। आप चाहो तो कच्चा मिल्क यूज़ करना बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और मैं यहाँ प्यूरी यूज़ की हूँ 1 टीस्पून, और मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, एकदम छोटी चम्मच। और एकदम छोटी चम्मच आपको यूज़ करनी है हनी, और आपको इसे मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट आपको कुछ ऑरेंज कलर का हल्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं जो भी एग्रीडेंट यूज़ कर रही हूँ ना, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हर स्किन टाइप्स को सूट कर जाता है। वैसे आप देख रहे हो स्क्रबिंग के बाद मेरा स्किन कितना फ्लैश कर रहा है, कितनी ब्राइट लग रही है। मसाजिंग करने से आपके स्किन की पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपकी स्किन रेजुनेट हो जाएगी, आपकी फाइन लाइन्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगी। कच्चा मिल्क में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो गिनते रह जाओगे, ठीक है, वनली आप जान लो। और बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरह। फोर्थ स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा बेसन। मेरा ये घर का है, बनी हुई बेसन है, मैंने खुद ही बनवाया था। तो ये इसमें हल्दी भी मैं यूज़ नहीं की हूँ, वनली इसी से आपके फेस पे ना बहुत ग्लो आ जाएगा, इसमें बिल्कुल कलर भी ऐड नहीं है। और इस पेस्ट को आपको इतने मिल्क डालनी है जिससे आपका एक पेस्ट बन के तैयार हो जाए। मैं यहाँ प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, आपको मैं बोली थी मेरा सीक्रेट क्या है, बस यही है, टोमेटो का जूस यूज़ करने से बेटर होता है उसका प्यूरी। प्यूरी से बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आपको इतना अच्छा पेस्ट बनाना है जो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको गीला भी नहीं रखना है, ठीक है। और मेरी स्किन देख रहे हो कितनी फ्लैश कर रही है,
चलो और इसको मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। फेस पे अप्लाई करना आपको कुछ इस तरीके से मसाज देती हुई आपको सर्कुलर मोशन में, और आपको मसाज तो देनी नहीं है, बस आपको लगा के वनली छोड़ देनी है, ठीक है। बट मैं यहाँ थोड़ा मसाज इसलिए दे रही हूँ, मैं हमेशा फेस मास्क वगैरह यूज़ करते रहती हूँ, बट आप एज ए फेसियल के तौर पर यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर की तरह आपको लगा, जैसे मैं आपको हाथ स्लाइड करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। आपको मिनिमम 20 मिनट्स तक आपको छोड़ देनी, एकदम सूख जानी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको अपना फेस क्लीन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ फेस क्लीन करके आ गई हूँ, आप देख रहे हो मेरी स्किन कितनी फ्लैश कर रही है, मेरी स्किन एकदम ब्राइट हो गई है। वैसे जिस दिन आप फेशियल करते हो उस दिन इतनी ब्राइट नहीं करती है, बट ये फेशियल इतना अमेजिंग, इतनी अच्छी है ना, जो सेम डे आपको इतनी ब्राइटनेस मिल रही है तो नेक्स्ट डे कितनी मिलेगी।